અમદાવાદની અસારવા સિવિલની ઓપીડીમાં લોકોનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે। મોટા પ્રમાણમાં નિદાન કરાવવા માટે આવતા લોકોની લાઈનો લાગી ઓપીડીમાં 2,500 થી 3,000 લોકો જોવા મળ્યા। બીજી લહેર વખતે માંડ 500 લોકો આવતા હતા, જો કે હવે દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે। વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં વધારો થતા છેલ્લા એક મહિનામાં 1,000 થી 1,500 દર્દીઓ વધ્યા છે। ચોમાસામાં વાયરલના કેસમાં વધારો થતા દર્દીઓનો ધસારો જોવા મળી રહ્યો છે। अमदावाद सिविल खाते लोकोनी भीड़ वधी रही है। ओपीडी में लोकोनी भीड़ में सतत वधारो थई रह्यो छे। जे कोरोना की बीजी लहर है ते दरमियान 500 लोग ओपीडी में आता था, तेने बदले आ दृश्य तमे जोई शको छो कि 2,500 થી 3,000 लोग अहीं दिवस दरमियान ओपीडी में आवे छे। बीजी लहर वक्त मात्र 500 लोग ज आता था, तेने बदले आ वधी अने 1,000 થી 1,500 दर्दीओनो वधारो थयो छे। खास करीने ऑर्थोपेडिक अने वायरल इन्फेक्शनना जे बीमारी छे तेने लई दर्दीओ वधारे प्रमाणमां ओपीडीमां आवी रह्या छे। केस बारी अगर केस करावा माटे लोकोनी लांबी लाइनो सवारथी जोवा मळी रही छे। आ दृश्य तमे जोवो छो अमदावाद असारवा सिविलला, ज्यां तमे जोई शको छो कि लोकोनी भीड एटली हदे वधी गई छे कि वायरल इन्फेक्शन ऑर्थोपेडिकना अने अन्य बीमारीओना केसीसमां पण सतत वधारो थई रह्यो छे। कैमरामेन अमित मकवाणा साथे आशकजानी झी मीडिया अमदावाद। नवी शिक्षण नीति की पहली वर्षगांठ पर आज प्रधानमंत्री मोदी शिक्षण समुदाय ने संबोधित करते। बराबर एक वर्ष पहला आजना दिवसे नवी शिक्षण नीति ने केंद्रीय मंत्रिमंडले मंजूरी आपी थी। आजना दिवसे पीएम मोदी आज देशभर विद्यार्थियों और शिक्षकों ने संबोधन करते, साथ शिक्षण क्षेत्र में नवी पहल शुभारंभ करावशे। पीएम मोदी संबोधन सांजे 4:30 वगे हशे। पीएमओ तरफ से जाहिर कर निवेदन में कहवामां आव्युं छे कि प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों ने मल्टीपल एंट्री और एक्जिट सीस्टम विकल्प आपता एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत कराशे। साथ क्षेत्रीय भाषा में एंजीनियरिंग पहला वर्षना कार्यक्रम और उच्च शिक्षा आंतरराष्ट्रीयकरण माटेना दिशा निर्देशों जाहिर करशे। तो जूनागढ़ गिरनार रोपवे आज सतत त्रीजा दिवसे बंद रहेशे। गिरनार पर्वत पर 90 किलोमीटर नी प्रति कलाकनी झड़पे पवन फूंकाता आज पण रोपवे बंद छे। रोपवे बंद होवाना कारणे राज्यपाल आचार्य देवव्रतनो आजनो कार्यक्रम रद्द करवामां आव्यो छे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत आज गिरनार पर्वतना विराजमान मां अंबाना दर्शन करवाना हता। 11 वागे तेओ मां अंबाना दर्शन करवाना हता, जे कार्यक्रम रद्द करवामां आव्यो छे। गिरनार रोपवे पर 90 किलोमीटर आसपास जो पवन फूंकाई रह्यो छे तेना कारणे आ रोपवे ने बंद करवामां आव्यो छे।